गाइस, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूजर हैं तो आप किसी ना किसी को ये कहते हुए सुने होंगे कि यार मेरे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। तो आप सोचते होंगे कि यार ये बूट लोडर क्या होता है और इससे ये अनलॉक क्यों करना चाहता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये बूट लोडर होता क्या है और इसे क्यों अनलॉक किया जाता है। और इसी के साथ साथ हम और भी टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि कर्नल क्या होता है, रिकवरी क्या होता है और कस्टम रोम क्या होता है। तो गाइस, आपको बता दूं, बूट लोडर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन में डला हुआ होता है। जब भी कोई कंपनी अपने फ़ोन को मार्केट में लॉन्च करती है तो वो अपने फ़ोन के बूट लोडर को लॉक करके देती है। अब आप ये सोचेंगे कि यार इसको ये लॉक करके क्यों देती है, तो हम आपको बता दें कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि यूज़र उस मोबाइल के साथ छेड़छाड़ करे और उनका मोबाइल ब्रेक हो जाए, तो इसीलिए कंपनी अपने फ़ोन के बूट लोडर को लॉक करके देती है। तो गाइस, इसे आप मोबाइल के लिए कंपनी द्वारा लगाई गई एक सील भी कह सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी अपने फ़ोन में कस्टम रोम या फिर कुछ एडवांस फीचर को इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। गाइस, जब भी आप अपने फ़ोन में कस्टम रोम डालेंगे या फिर कुछ एडवांस फीचर को इनेबल करेंगे तो उसके लिए आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना ज़रूरी होता है। गाइस, अब हम बात करते हैं कि कर्नल क्या होता है। गाइस, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो चाहे विंडो हो, लिनक्स हो, एंड्रॉयड हो या ब्लैकबेरी हो, तो उसमें कर्नल की एक मुख्य भूमिका होती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। तो गाइस, यूँ समझ लो कि कर्नल एक हेल्पर होता है सॉफ्टवेयर का। तो गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस तरह से हेल्प करता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। गाइस, जब भी सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करना होता है तो वो सबसे पहले कर्नल को बताता है। तो कर्नल क्या करता है, उस हार्डवेयर को वो इन्फॉर्मेशन देता है, तब हार्डवेयर फिर कर्नल से बोलता है ये इन्फॉर्मेशन तुम सॉफ्टवेयर को दे दो। तो कर्नल क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर को दे। जैसे कि हमें जब अपने फ़ोन के कैमरा को ऑन करना होता है तो हम सिंपली कैमरा के आइकॉन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम आइकॉन पे क्लिक करते हैं तब सॉफ्टवेयर कर्नल को बताता है कि इस पॉइंट पे इन्होंने क्लिक किया है। तब कर्नल चेक करता है कि उस पॉइंट या उस जगह पे कौन सा आइकॉन है। फिर कर्नल को ये पता चलता है कि यहाँ पर तो कैमरा का आइकॉन है। फिर कर्नल कैमरा के हार्डवेयर को ऑन करता है और उसे इनेबल कर देता है। तो इस तरह से हमें जो है स्क्रीन पे कैमरा ऑन दिखाई दे देता है। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि किसी भी फ़ोन या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल किस लिए लगा होता है। तो गाइस, अब बात करते हैं रिकवरी क्या होती है। तो गाइस, हमने अभी आपको बताया कि हम बूट लोडर को अनलॉक करके अपने फ़ोन में कस्टम रोम या तो कर्नल्स को फ्लैश कर सकते हैं। तो गाइस, हमें ये सब फ्लैश करने के लिए रिकवरी मोड में जाना पड़ता है। तो हम आपको बता देते हैं कि रिकवरी भी दो टाइप की होती है। नंबर एक स्टॉक रिकवरी, नंबर दो पे होती है कस्टम रिकवरी। किसी भी कंपनी के फ़ोन में एक स्टॉक रिकवरी ज़रूर होता है जिसकी हेल्प से हम ऑफिशियल रोम को फ्लैश करते हैं और अपने फ़ोन को रीसेट, फॉर्मेट, वाइप एंड बैकअप ले लेते हैं। तो गाइस, ये तो हो गया स्टॉक रिकवरी, और नंबर दो पे आता है कस्टम रिकवरी। तो गाइस, जब भी हम अपने फ़ोन में कस्टम रोम या फिर अनऑफिशियली रोम को फ्लैश करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कस्टम रिकवरी को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक रिकवरी हमें ऐसी परमिशन नहीं देती है जो कि हमें एक कस्टम रिकवरी करने को देती है। तो गाइस, इसीलिए हमें कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। गाइस, कस्टम रिकवरी में सबसे पॉपुलर TWRP रिकवरी को माना जाता है। गाइस, आपको समझ में आ गया होगा रिकवरी क्या होता है। अब बात करते हैं कस्टम रोम की। गाइस, जब भी हम एक एंड्रॉयड डिवाइस परचेज करते हैं तो उसमें जो भी रोम डला हुआ आता है वो एक स्टॉक रोम होता है, बट स्टॉक रोम में लिमिटेड फीचर होते हैं, लेकिन कस्टम रोम में हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आपके पास शाओमी का रेडमी नोट 3 डिवाइस है, लेकिन उस डिवाइस में आपको पोर्ट्रेट मोड और फेस अनलॉक का फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप उसी डिवाइस में अगर कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं तो उसी डिवाइस में आपको पोर्ट्रेट मोड और फेस अनलॉक का फीचर
मिल जाएगा। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि कस्टम रोम क्या होती है। तो गाइस जब आप कस्टम रोम को फ्लैश करते हैं तो आपको बहुत ही कुछ नया देखने को मिल जाता है जो कि एक स्टॉक रोम में नहीं मिलता है। तब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार ये कस्टम रोम को डाउनलोड कहाँ से करेंगे और किस तरह से इसे इंस्टॉल करेंगे। तो एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप किसी भी फ़ोन के लिए कस्टम रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस उस वेबसाइट का नाम है XDA Developer। गाइस XDA Developer एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आप किसी भी फ़ोन के लिए कस्टम रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको बूटलोडर कर्नल रिकवरी एंड कस्टम रोम के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल टेक्निकल रंजीत को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलती रहे।